हेलो, आई एम आशुतोष सिंह एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए कोई एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, इज इक्वल टू आई माइनस टू यू यू डैस। यू क्या है? यूनिट कॉलम वेक्टर की एक मैट्रिक्स है। हमें चार पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पार्ट है एग्जामाइन इफ ए इज सिमेट्रिक, दूसरा एग्जामाइन इफ ए इज ऑर्थोगोनल, तीसरा सो दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू एन माइनस टू, चौथा ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, वेयर यू की वैल्यू 1/3 2/3 2/3 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। पहला पार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो उसके लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर नहीं होती, ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि इसका ट्रांसपोज, डैश का मतलब यहाँ पर टी लगा सकते हैं, ए ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू ए ही आनी चाहिए। देखते हैं अगर ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, आई माइनस टू यू यू डैश, अगर ए डैश निकालते हैं तो क्या आएगा, इसके पूरा डैश हो जाएगा। और हमें पता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी का डैश क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई डैश, और आई डैश का ट्रांसपोज क्या होगा, आई माइनस टू यू यू डैश का डैश, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें अगर, तो ये क्या होगा, आई लिख देंगे माइनस, और ट्रांसपोज ऑफ ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है, और के है तो वो तो बाहर निकल आता है, तो उसका ट्रांसपोज स्केलर कोई क्वांटिटी है। ये क्या होगा, यू डैश का होल डैश, और हमें ये भी पता है कि ए डैश का होल डैश क्या होता है, वो ए होता है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, और उसका ट्रांसपोज फिर से लिया जाए तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाती है ए के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू डैश का होल डैश दैट इज़ यू, और यू डैश यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए डैश की वैल्यू आई माइनस टू यू यू डैश आ गई, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहला पार्ट हो गया, अब दूसरा पार्ट करते हैं, एग्जामाइन इफ ए इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल के लिए क्या कंडीशन होती है, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए आनी चाहिए। तो इसे एग्जामाइन करते हैं, यहाँ पे ए इनवर्स मतलब ये जो है ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है, ए डैश की वैल्यू ए इनवर्स के बराबर आनी चाहिए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए शुड बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अब हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, आई माइनस टू यू यू डैश। अच्छा, अगर हमें ए डैश की वैल्यू ए इनवर्स प्रूफ करना है तो हम क्या कह सकते हैं, आई हमें ए डैश, अगर ए से यहाँ प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए डैश ए की वैल्यू हमें क्या प्रूफ करनी होगी, आई। अगर ए डैश ए की वैल्यू अगर आई के बराबर है तो मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो ए डैश ए की वैल्यू हम निकालते हैं, ए डैश ए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा ए डैश की वैल्यू, ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने इसकी वैल्यू अभी ए डैश की वैल्यू ए अभी निकाली थी, तो ये क्या हो गया ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू है क्या बेसिकली, आई माइनस टू यू यू डैश, दूसरी आई की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ आई माइनस टू यू डैश। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर, तो आई का आई से आई बनेगा, इधर से क्या आएगा टू यू यू डैश आ जाएगा। अब इसको लेते हैं तो इसके साथ माइनस टू यू यू डैश आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, फोर यू यू डैश और u u डैश, ये आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, i माइनस फोर u u डैश प्लस का फोर u u डैश, u u डैश यहाँ पे भी है और u डैश u की वैल्यू, लेट्स सपोज, तो ये बनेगा।
अब अगर हम u डैश u की वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगी, u क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट कॉलम वेक्टर है। तो लेट सपोज अगर हम 1 0 इसको ले लेते हैं तो u डैश क्या आ जाएगा, वो ये हो जाएगा 1 0। अब हम u u डैश अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, यानी कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, u u डैश का 1 0। ये दो रो एक कॉलम की मैट्रिक्स है और ये एक रो दो कॉलम की मैट्रिक्स है, हमें कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 2x2 की मैट्रिक्स बन जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0, मतलब सीधा ये मल्टीप्लिकेशन है यू यू डैश का। पहले रो को कॉलम वाइज से करते हैं, अगर इस रो को यानी 1 को 1 से करा तो 1 आया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो 0 आया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो 0 आया, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो वो 0 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 1 0 0 1 0 0 की एक मैट्रिक्स मिल गई। इसी तरीके अगर हम यू डैश यू की वैल्यू निकालें अगर तो क्या होगा, इसमें 1x1 की बनेगी मैट्रिक्स। इस रो को हमें इस कॉलम के साथ लेना पड़ेगा, यानी कि 1 को 1 के साथ तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हमें खाली 1 मिलेगा, दैट इज 1x1 की मैट्रिक्स। मतलब इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो 1 × 1 प्लस 0 का 0 के साथ, तो हमारे केवल एक कॉल एक 1x1 की एक यू यू डैश यू की मैट्रिक्स मिलेगी। अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आई भी लिख सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट आई। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करते हैं, आगे क्या आ जाएगा, आई माइनस 4 UU डैश क्या आ जाएगा, यू यू डैश दैट इज़ नॉट आई, 4 UU डैश लिख देते हैं। और आगे क्या है, 4 UU डैश U की जगह हम आई लिख सकते हैं, और आई का मल्टीप्लिकेशन यू डैश से किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आई को हम हटा सकते हैं, मतलब ये जो है वो आई है। तो खाली बचेगा क्या, यू डैश ये वाला टर्म। अब देखो 4 UU डैश और प्लस का 4 UU डैश ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, आई। और ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे थे, ए डैश ए की वैल्यू निकाल रहे थे। अब ए डैश ए की वैल्यू हमने निकाल ली है आई, या ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स। तो हम शो कर सकते हैं कि दैट ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अब तीसरा करते हैं, तीसरा पार्ट, सो दैट ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू n-2। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब ट्रेस ऑफ हमें क्या निकालना है, ए। ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ आई माइनस 2 UU डैश ये हो जाएगा। अब हमें ट्रेस ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला पता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रेस ऑफ आई हो जाएगा माइनस 2, स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं, ट्रेस ऑफ यू यू डैश ये हो जाएगा। अब ट्रेस ऑफ आई वो क्या होगा, ए जो है n×n मैट्रिक्स है, तो आई क्या हुई, ये भी n×n मैट्रिक्स। तो इसमें जो होगा डायगोनल में 1 1 1 1 करके एलिमेंट्स n रो कॉलम तक जाएगा, तो ट्रेस ऑफ आई यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 1 को n टाइम्स जोड़ा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 2। ट्रेस ऑफ यू यू डैश क्या हो जाएगा, अभी हमने यू यू डैश की वैल्यू निकाल ली है, यू यू डैश क्या है 1 0 0 1, यानी कि 1 + 0 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो 1 आ रहा है, यानी ट्रेस ऑफ यू यू डैश क्या आ जाएगा, 1 + 0 दैट इज 1। तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू n-2। तो ये वाला थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं,
कि ए मैट्रिक्स निकालनी है, दैट इज 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयर एज यू की वैल्यू 1/3, 2/3, 2/3 का ट्रांसपोज है। ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए का एक्सप्रेशन तो हमें दिया है ऑलरेडी, ए की वैल्यू क्या है, आई माइनस टू यू यू डैस। आई क्या है, अच्छा ए जो है वो 3x3 मैट्रिक्स का है, इस बार पूछ रहे हैं एन की वैल्यू क्या है, 3, तो आई क्या होगा 3x3 का, यानी ये हो जाएगी मैट्रिक्स आई माइनस टू यू यू डैस है। अब यू क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है यू की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज दैट इज 1/3, 2/3 एंड 2/3। अच्छा यू डैस क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ यू, तो ये क्या होगा 1/3, 2/3 और 2/3, ये हो जाएगा। अब इसको हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो आएगा उसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे फिर सारे एलिमेंट्स में, और फिर इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ए की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, इसे सॉल्व करें, अगर ए की वैल्यू निकालते हैं क्या आ जाएगा, पहला तो 100010 माइनस टू। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/9, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2/9, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2/9, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 4/9, इसको इसके साथ तो 4/9, उसके बाद इसको इसके साथ तो 2/9, इसको इसके साथ तो 4/9, इसको इसके साथ तो 4/9। तो हमारे पास ए की वैल्यू कुछ इस टाइप से आई। अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2/9, और यहाँ पे 2/9 तो 4/9, माइनस का 4 0 माइनस 4/9, यहाँ पे 0 माइनस 4/9, यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 4/9, या ये लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 माइनस का 8/9, यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस का 8/9, यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 2/9, यहाँ क्या आएगा 0 माइनस 4/9, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 8/9। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं तो ये आएगा 7/9 -4/9, ये -4/9, ये -4/9, ये 1/9, ये -8/9, ये -2/9, ये -4/9, ये 1/9। तो इस तरीके से हमने ए की वैल्यू निकाली। यहाँ पे जो है 2 का मल्टीप्लाई किया था तो 0 माइनस, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे क्या होगा 8 होगा, क्योंकि 2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा, इसी तरीके यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा।